चलिए चेक करिए नाउ, वॉइस क्लियर? वॉइस चेक करिए, क्लियर है? चेक नाउ, यस, ओके। ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर इसमें से भी एक क्वेश्चन आना पक्का है और आज ही स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है लीज, आज स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म हो जाएगा। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है, एक तरीके से लास्ट चैप्टर बोल सकते हो। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये, बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पूरी जो बातें इस चैप्टर में लिखी गई है ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं सुना होगा और कहीं ना कहीं जानते होंगे, बस उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक बार हमें समझना है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एनपीओ में 20 क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन ही दे रखे हैं किताब में, तो क्वेश्चन जो होगा वो बड़े सिंपल तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले हमारे सिलेबस में लीज जो है, पहले हम समझते हैं कि सर हमारे सिलेबस में कितने तरीके का लीज है। सर हमारे सिलेबस में ना दो टाइप के लीज हमें पढ़ाए जा रहा है, और दो टाइप का लीज कौन कौन सा है? एक है ऑपरेटिंग लीज और एक है फाइनेंस लीज। एक है ऑपरेटिंग लीज, एक है फाइनेंस लीज। मैं अगर आपसे बोलूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइनेंस लीज से पूछे जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग से नहीं पूछे जाएंगे, फाइनेंस लीज से पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और अब हमने देखा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीज है। इसमें दो टॉपिक पढ़ना है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। सबसे पहले हमें लीज पढ़ना है, होता क्या है। तो लीज का मतलब क्या है, हम सिंपल तरीके से समझते हैं। लीज का मतलब, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या, आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, शायद ना भी देखा हो, जैसे मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे एसेट्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो जब एसेट्स की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे मान लेते हैं मुझे 100 लैपटॉप की जरूरत है, 100 लैपटॉप की जरूरत है, तो सीधी सी बात है 100 लैपटॉप, अगर एक लैपटॉप मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपए भी पकड़े, एक लैपटॉप कितने का, 50,000 इंटू में आपका 100, तो ये 50 लाख रुपए तो मेरा लैपटॉप में चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटल है। अब मैं सोच रहा हूं कि अभी मेरे पास 50 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास 10 लाख रुपए जरूर है, मेरे पास अभी 10 लाख रुपए जरूर है। और मुझे पता है ये लैपटॉप जब आ जाएगा तो हर साल में 10 से 15 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा इस लैपटॉप से, हर साल का 10 से या हर महीने का 10 से 15 लाख रुपए मैं इनकम जनरेट करने लग जाऊंगा। तो मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 50 लाख का एक साथ लैपटॉप खरीद लूं, तो नहीं हो सकता, मेरे पास कभी 50 लाख होंगे नहीं और मैं कभी बिजनेस करूंगा नहीं, आइडिया धरा का धरा रह जाएगा। ऑप्शन ये है कि कोई मेरे से 10 लाख रुपए ले ले और मेरे को 50 लाख रुपए के लैपटॉप दे दे और हर महीने मेरे से थोड़ा थोड़ा पैसा ले ले, जिसे हम बोलते हैं सामान को ईएमआई पे खरीद लेना, ठीक है ना। सेम अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही होता है कि लोगों की मदद करना, मदद करने से इन द सेंस, मान लेते हैं यहां पे मुझे 100 लैपटॉप लेना था, एक ऑर्गेनाइजेशन है बोलता है भाई साहब मैं आपको 100 लैपटॉप दे देता हूं चलो, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा नहीं कि इसके पास पड़ा होगा, ये भी खरीदेगा, ये भी खरीदेगा। इसने बोला मैं आपको 100 लैपटॉप दे देता हूं,
बदले में आपको हर महीने का कुछ अमाउंट देना पड़ेगा स्पेसिफिक, हर महीने का कुछ अमाउंट। यानी ये लैपटॉप एक तरीके से, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं ए, और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का मान लेता हूं बी। तो ए ऑर्गेनाइजेशन इसको लैपटॉप देने के लिए तैयार है, और वो भी पता है किस पे, किराए पे, काइंड ऑफ किराया। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने 100 लैपटॉप दे दिया और फिर अगले मैंने बोलूँ वापस कर दे। नॉर्मल किराए में क्या होता है, आपको ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। अब यहां पे बहुत तगड़े वाला इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा कि भैया हम ये लैपटॉप आपको दे रहे हैं, अगर लैपटॉप टूट गया, फूट गया, कुछ भी हुआ, तो हम जब वापसी लेंगे आपसे तो सब कुछ वैसा ही लेंगे, सही सलामत। ऐसा नहीं कि आप 10 साल बाद मुझे यूज करके अगर देते हो, 10 साल का लीज अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो 10 साल भी हमें कंडीशन में चाहिए। अब ये भी पर्सन जानता है कि 10 साल बाद ये लैपटॉप की क्या वैल्यू रहेगी, और ये भी जानता है कि 10 साल बाद लैपटॉप की वैल्यू क्या रहने वाली है। यानी जब यूज होगा तो वो तो खत्म होगा ही। तो सबसे पहले लीज का मतलब क्या है कि हम कहीं से भी कोई सामान किराए पे ले लेते हैं, और ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए, लंबे पूरे एसेट्स के हम लाइफ को ही पूरा किराए पे ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं लैपटॉप का लाइफ 10 साल है, तो मैंने कितने साल के किराए पे ले लिया, यानी 10 साल के बाद वो स्क्रैप ही होगा एक तरीके से। तो मैंने लैपटॉप को खरीदा नहीं, मैंने क्या करा, किराए पे ले लिया। तो सर इसका क्या फायदा होगा? ये कुछ ऐसा अपना हिसाब किताब बनाएगा कि एक लैपटॉप 50,000 का है, और वो इतनी किस्त बना देगा, जैसे 10 साल में देखा जाए तो अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये रिसीव, तो सर ये 10 सालों में ये चुकता कर सकता है। अगर मैं साल का एक अमाउंट लूँ, अगर एक साल में एक अमाउंट लूँ, तो 10 साल में कितना चुकता कर सकता है ये, 5-5। लेकिन सर मैं 50 का ले लूँ और 10 साल तक इससे मैं 5-5 हज़ार रुपये रिसीव करता रहूँ, तो हमारा क्या फायदा? ऑर्गेनाइजेशन ए बोलेगा तो ऐसे तो हम, हमारा कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या करेगी, इससे ये और प्लस इंटरेस्ट लेगी। सपोज करो मैंने बोला 10% ब्याज लूंगा तो 500, यानी इसकी किस्तें जो बना देगी वो बना देगी काइंड ऑफ 5500 रुपये, और 5500 रुपये हर साल लेगी। तो अब देखो इसका भी फायदा हो गया। इसका क्या फायदा हो गया, कम कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर पाया ये। इसका फायदा क्या हो गया, एक नया बिजनेस क्रिएट हो गया इसके लिए। ये सामान को किस पे दे रहा है, लीज पे दे रहा है। लीज पे देने का मतलब क्या है और किस्तों पे लेने का मतलब क्या है, दोनों में फर्क समझिए। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ऐसे तो किस्त पे भी ले लेते हैं, यहां पे ऑनरशिप इसके नाम पे नहीं होगा, और जब किस्त पे लेते हो तो पेपर वगैरह आपके नाम पे ही बन जाता है। देखा होगा आपने, मोबाइल फोन लिया तो किसके नाम से, बिल होगा, उसी टाइम बिल विल सब दे देगा। ये सिर्फ एसेट्स देगा, एक नया एग्रीमेंट बनाएगा, जो ओरिजिनल कागज है वो अपने पास ही रखेगा ये। तो इससे 5500 रुपये लेगा, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा हो गया। इसने क्या करा, सामान को किस पे दे दिया, लीज पे दे दिया। तो लीज का मतलब क्या है, अब यहां पे दो व्यक्ति इन्वॉल्व होगा हमेशा लीज में, एक जो दे रहा है जैसे कि ए, और एक ले रहा है जैसे कि बी। तो जो दे रहा है ना, उसको पता है हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लेसर, लेसर। लेसर का मतलब जो देता है, और जो ले रहा है इसे बोलेंगे हम लेसी। लॉ के अंदर ना होता ऐसा है, जिस टर्म के बाद ईआर शब्द लग जाता है ना, तो वो हमेशा प्रोवाइड करने वाला होता है, देने वाला होता है, और जिस शब्द के आगे डबल ई शब्द लग जाता है वो हमेशा लेने वाला। जैसे आपने पेई और पेयर, तो पेई डबल ई लग गया, वो कौन होगा, लेने वाला होगा, और पेयर कौन होगा, जिसने की देना है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जहां पे लग जाता है, जैसे कि आपका डोनर डोनी, जब डीड बनता है हमारा, एक डोनर होता है जो कि डीड बनवा रहा है, एक डोनी जिसे कि मिलेगा डोनेट करने वाले के टाइम पे। तो ये दो शब्द आपको इस्तेमाल रखना है। लेसर का मतलब जो एसेट्स का मालिक है और उसने दिया दूसरे को, लेसी का मतलब जिसने के सामान को किराए पे लिया।
अब अकाउंटिंग दोनों प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाएगा, इसके प्रोस्पेक्टिव से भी पूछा जाएगा और इसके प्रोस्पेक्टिव से भी पूछा जाएगा। अब लीज मैंने बोला दो तरीके का है सर, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज होता है जैसे कि आपको कम समय के लिए किराए पे दिया जाए, बोला भाई 6 महीने बाद मैं एसेट्स को वापस ले लूंगा, 6 महीने का ही डील है और एसेट्स की लाइफ 10 साल है, और आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो कितने महीने का करा, 6 महीने का, तो दैट इज ऑपरेटिंग लीज। मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो ऑपरेटिंग लीज, और लंबे समय के लिए होगा तो ऑपरेटिंग लीज। और फाइनेंसिंग लीज में फर्क क्या होगा, फाइनेंसिंग लीज में लैपटॉप टूटेगा ये जिम्मेदार, लैपटॉप का कुछ भी होगा ये जिम्मेदार, मतलब पूरा ध्यान इसको रखना है। और इसके अंदर एक बात और आएगी, एक बात और क्या आएगी, अब आपको पता है कि जो लेसर है यानी जो लीज पे दे रहा है, इसे पता है 10 साल बाद इस लैपटॉप में कुछ बचेगा नहीं, 10 साल बाद इस लैपटॉप में ऐसा कुछ बचेगा नहीं, तो ये पहले ही एग्रीमेंट कर लेगा कि भाई 10 साल बाद ना मैं तेरे को ही बेच दूंगा, तैयार है लेने के लिए। लेकिन 10 साल बाद मैं तेरे को बेचूंगा, ऐसा नहीं है कि जितने का खरीदा था उतने का बेचूंगा, बहुत कम प्राइस पे, स्क्रैप वैल्यू के प्राइस पे। तो एक वैल्यू यहां पे तय हो जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि भाई 10 साल बाद मैं तुझे बेच दूंगा, जिसे बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू सर, रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, जब हम किसी को सामान देते हैं तो वो किराया तो आ ही रहा है हर महीने का, और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये सामान हम उसी को दे देंगे, ले भाई तू पेपर भी पकड़ ले और तेरा ही सामान हो गया, तू ही झंझट वाले इसको। तो जो वैल्यू पहले डिसाइड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ना पहले ही डिसाइड होगा और एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, और ये वैल्यू जो डिसाइड करेगा, मान लेते हैं अब इस वैल्यू पे ये दोनों की बातचीत चलेगी आपस में, किसकी, ए की भी बात चलने वाली है और बी की भी बात चलने वाली है। अब मे बी ए बोलता है कि भैया ये लैपटॉप 50 लाख रुपए का है, तू मुझे 10 लाख रुपए तो दे दियो कम से कम, मुझे कम से कम 10 लाख रुपए तो दे देना, मुझे बात हो सकती है ऐसा। अब ये बोलेगा भाई 10 लाख रुपए का थोड़ी बनेगा ये, मेरे हिसाब से तो 5 लाख का बनेगा। तो यहां पे देखा जाए तो बिजनेसमैन जो है, हमारी सबसे ज्यादा चिंता इसकी होनी चाहिए। अब ये क्या दिमाग लगाएगा, इससे भी एक वैल्यू डिटरमाइन करवा लेगा और लिख लेगा पेपर पे, और इससे जो वैल्यू डिटरमाइन कराया, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए डिटरमाइन करवा लिया कि 5 लाख रुपए 10 साल बाद तो हम आपसे लेंगे ही लेंगे, समझ रहे बात। अब ये क्या करेगा, बाहर वालों से भी पूछेगा, तो भाई देख मेरे पास 100 लैपटॉप है, 10 साल बाद ना मेरे पास आ जाएंगे वापसी, तू बता कितने पैसे देगा, अभी बता दे, डील कर ले डन। तो एक थर्ड पार्टी जो है, बाहर वाले ने जो डील किया वो किया हमारा, मान लेते हैं उसने बोला कि भाई मैं तुझे दे दूंगा 7 लाख रुपए, तो अब ये जो है किसको देगा फाइनली, इसको देगा या 7 लाख रुपए वाले को देगा, ऑब्वियसली बात है 7 लाख वाले को देगा। कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्यूचर, ऐसा नहीं है कि तेरे को ही दूंगा अभी, बस ये क्या करेगा कि एक टर्म लेके चलेगा और ये ऑप्शन रखेगा कि मैं तुझे दे भी सकता हूं और नहीं भी, अभी वैल्यू बता दे बस, ऑप्शन रखेगा मैं तुझे दे भी सकता हूं और नहीं भी। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये 7 लाख रुपए वाली बात चल रही है, 7 लाख रुपए बाहर वाले का है, तो अब इन दोनों वैल्यू में फर्क आ रहा है कितने का, 2 लाख रुपए का, इस 2 लाख को बोलेंगे हम अनरियलाइज वैल्यू। एक तो हो गया रेजिडुअल वैल्यू, या मैं इस वर्ड को मैं प्रॉपर स्पेसिफिक कर दूंगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 लाख रुपए, उसे बोलेंगे अनरियलाइज वैल्यू, या प्रॉपर नेम इसका मैं भी लिख दूंगा उसको, पहले देखो पहले जो जो चीजें हो रही है ना इसके अंदर, बस ये चीजें समझ जाओगे चैप्टर में कुछ नहीं बनता, फटाफट क्वेश्चन हो जाना है। यानी सर यहां पे कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक है जो कि सामान किराए पे देगा और एक जो किराए पे लेगा, और लंबे समय की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज नहीं पढ़ रहे, पहले हम फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं। ये जब सामान किराए पे देगा तो एक पर्टिकुलर हर महीने का रेंट की तरह से लेगा, ये नहीं बोलेगा भाई तेरे से ब्याज ले रहा हूं, हर महीने का रेंट लेगा और उस रेंट के अंदर ही सब कुछ जोड़ के लेगा ये। और जब लाइफ खत्म होगा एसेट्स का, तो ये पहले ही एग्रीमेंट कर लेगा भाई ये एसेट्स तेरे को ही अगर बेच दिया जाए तो क्या रहेगा। इसके बाद ये बाहर से भी कहीं पता करेगा कि ये कितने का होगा,
या फिर उनकी खुद की भी अपनी डिटर्मिनेशन होगा कि मैं तो 7 का दूंगा, तू 5 का लेगा, अलग बात है, मैं तो दूंगा कितने का, 7 का। उसके बाद जैसे ही लास्ट खत्म होगा, इसको ये वाला सारा पेमेंट दे देगा, और ये, और इन बीच में जो ये 5,000 रुपये रहेगा, उसे एक इंटरेस्ट के तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट रेट, या बोलते हैं इसको IRR, या फिर इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। या बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट, यानी सर मैंने एक सामान उसको दे दिया और उस सामान का रेंट लेना है, तो सिर्फ रेंटल वैल्यू नहीं लेना, उसके अंदर मैं ब्याज भी जोड़ूंगा, तो जो वो ब्याज वाला जो वैल्यू होगा, उस रेट को क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट रेट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंटिंग रेट भी बोल देते हैं, और या फिर IRR। IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हम बोलेंगे। और जो पेमेंट ये लास्ट में तैयार होगा, उसे बोलेंगे रेजिडुअल वैल्यू। अब हमें क्या बताना है एग्जामिनर को कि इस लीज को देने में हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फाइनली कैलकुलेट करके हमें बताना है पूरा फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। यहां पे लेसर कौन होगा, जो दे रहा है, लेसी कौन होगा, ले रहा है। इन दोनों के बीच में एक पहले से क्या हो जाएगा हमारा सर, एक एग्रीमेंट हो जाएगा, और जिसके ऊपर सारी चीजें लिखी होंगी। अगर मैं बात करूं यहां पे अमाउंट कौन सा होगा सर, एक होगा रेजिडुअल वैल्यू, एक होगा आपका दूसरा भी रेजिडुअल वैल्यू है, लेकिन ये रेजिडुअल को ना थोड़ा सा नाम अगर मैं बदल दूं तो गलत नहीं होगा, इसे गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बोल देंगे। गारंटेड मतलब ये गारंटी तो है ही, ये लेगा। और ये वाला जो 7 लाख रुपए जो मैं सोच रहा हूं ना, ये भी रेजिडुअल वैल्यू है, और ये होगा अनगारंटेड, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। शब्दों पे जाना है, शब्दों को पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा, फटाफट से निकल के आ जाना है, और जर्नल एंट्री भी हो जाना है, क्योंकि जब ये सामान देगा तो ये क्या कहेगा, मेरे पास से एसेट्स चला गया, और मुझे इसको डेटर बनाएगा और अपने एसेट्स को दे देगा, यही कहानी होगा। इसको डेटर बनाएगा और इसको, उसके बाद क्या करेगा, ये डेटर इसको पेमेंट देता जाएगा, ये रिसीव करता जाएगा, देता जाएगा, रिसीव करता जाएगा, इसकी अकाउंटिंग यही होनी है। ये क्या करेगा, लाइबिलिटी क्रिएट कर लेगा, इसको बीपी बोलेगा, मेरे पास एसेट्स आ गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, और बीपी को डेबिट करता जाएगा, हर बार इसको क्या करता जाएगा, रेंटल फॉर्म में पेमेंट करता जाएगा। लेकिन फाइनेंस लीज की ना एक खास बात और भी है कि जो एसेट्स इसको दे दिया, तो एक तरीके से आप देखो ना, इस एसेट्स के ऊपर सारा इस्तेमाल जब ये कर रहा है, तो लॉ ये कहता है कि भाई भले तू मालिक नहीं है उस एसेट्स का, तो एक काम कर, सारा कुछ तो तू ही कर रहा है इस एसेट्स का, तो डेप्रिसिएशन भी तू ही चार्ज करेगा। लेकिन ऐसा ऑपरेटिंग लीज में नहीं है, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, जिसको एसेट्स किराए पे लिया है। और अपने बैलेंस शीट में एसेट्स कौन दिखाएगा, बोलेगा तू मत दिखा, क्योंकि तेरा तो बिजनेस था, अल्टीमेटली तू उसी को देगा आज नहीं तो कल, तो बैलेंस शीट में भी एसेट्स को यही दिखाएगा। जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर ऐसा नहीं होगा, वो तो कम समय के लिए होता है, उस केस में डेप्रिसिएशन ये चार्ज करेगा ऑपरेटिंग लीज में, और बैलेंस शीट में भी यही दिखाएगा। समझ रहे हो बात को? तो लीज किसी भी चीजों का हो सकता है, लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लिया, स्टॉक का हो जाता है, कई बार मशीनरी का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि इन चीजों को लीज पे नहीं दिया जा सकता। जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कभी भी लीज होगा लीज पे, लेकिन इस एएस से बाहर रखा गया है। जैसे मैंने कोयला का खदान ले लिया सरकार से, मैंने बोला 50 साल के लिए मुझे दे दो, इसके इस पे से जितना कोयला होगा वो मैं करूंगा, बाकी आपको हर साल का या हर महीने का जो भी होगा दूंगा मैं, तो वो नेचुरल में आ गया रिसोर्सेस, तो बोला गया इस, ये भी एक तरीके का लीज ही है, लेकिन हम उसकी अकाउंटिंग इस जो AS 19 में लिखा है उस लीज के हिसाब से नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से AS बनाया गया। सेम ऐसे बोला गया, अगर आप कोई लाइसेंस वगैरह ले लेते हो,
उस लाइसेंस को लीज पे दे देते हो, तो वो भी लीज है लेकिन इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा। सेम बिल्डिंग को तो आप यहां पे कर सकते हो काम, अगर सिर्फ लैंड है और उस लैंड को आप क्या करते हो, किसी को 100 साल के लिए आपने दे दिया लीज पे, तो 100 साल के लीज पे दे दिया तो उस सिचुएशन के अंदर लैंड को भी इसमें कवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ बिल्डिंग कवर किया जाएगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, जहां हम रह रहे हैं, बहुत सारे मकान दिल्ली के अंदर मकान बिक नहीं रहे, तो ये सारे मकान लीज पे ही खरीदे जा रहे हैं, और लीज का टेन्योर इतना बड़ा होता है ना कि मान के चलो वो एसेट्स एक तरीके से आपका हो जाता है, 100 साल के लिए होता है। जैसे अब 100 साल के लिए लीज पे ले लिया आपने, तो आप मान के चलो वो तो आपका ही हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है वो आपका ही हो गया। मीन्स यहाँ पे तो दिल्ली के अंदर एनसीआर में जितने भी मकान बिक रहे हैं वो सब लीज पे दे रहे हैं। आप यहाँ नेताजी सुभाष पैलेस में चले जाओ, आप यहाँ पे कोई भी दुकान खरीदते हो, दुकान खरीदना पड़ेगा वही जो रेट है, 1 CR 2 CR देना पड़ेगा जो भी है, लेकिन वो 99 ईयर के लीज पे रहेगा। 99 साल के बाद उस मकान का जो मालिक है वो चाहे तो आपको ही बेच देगा कुछ पैसे लेके, या ऐसे ही आपके नाम पे कर देगा, वो उसकी इच्छा है कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है वो। तो मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूं कि लीज में सबसे पहले टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स को ध्यान दीजिएगा सर। लीज में टर्म्स एक है लेसर, दूसरा टर्म है लेसी, तीसरा टर्म है गारंटीड रेजिड्यूअल वैल्यू, गारंटीड रेजिड्यूअल वैल्यू, चौथा टर्म है अनगारंटी रेजिड्यूअल वैल्यू। अब देखो अनगारंटी रेजिड्यूअल वैल्यू पता है कैसे होगा, 5 लाख का इसने गारंटी लिया था कि मैं खरीद लूंगा, भाई ये बोल रहा है 7 का, तो 5 का तो गारंटी मिल ही गया, तो 2 लाख रुपए जो होगा वो अनगारंटीड होगा, समझे। एक तो इसने बोला कि मैं इतने का ले लूंगा, और ये अपने मन में सोच रहा है मैं तो 7 का लूंगा, तो कुछ पार्ट जितना इसने सोचा था वो तो गारंटी मिल गया, बाकी का पार्ट गारंटी नहीं मिला, उसे क्या बोलेंगे हम, अनगारंटीड रेजिड्यूअल वैल्यू। इसके बाद 5वें नंबर पे क्या देखा हमने, इम्प्लिसिट रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, IRR, और फिर डिस्काउंटिंग रेट। एक होगा जितने का हम एसेट्स को खरीदते हैं उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, जितने का एसेट्स को हम खरीदते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे कि इसने कितने का खरीदा था एसेट्स, तो इसने खरीदा था मान लेते हैं कि 50 लाख का खरीदा था ना इसने, इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू, इसे बोला जाएगा फेयर वैल्यू। इसको बोला जाएगा फेयर वैल्यू, जितने का लेसर ने खरीदा था, लेसी तो खरीद ही नहीं रहा, लेसी तो क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। कुछ एक शब्द यहां पे मैंने लिखे हैं, अगर ये शब्द आपको क्लियर है तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। हम पहले कौन सा लीज कर रहे हैं सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पूछा क्या जाएगा कि ऐसा सिम्टम्स बताओ, ऐसा इंडिकेटर बताओ, आप कैसे चूज करोगे कि ये ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज है। तो AS 19 बोलते हैं हम 5 बातें बता रहे हैं, इन 5 में से कोई भी एक बातें अगर यहां पे लग गया ना आपको ऐसा हो रहा है तो मान लेना फाइनेंस लीज है, अगर ये 5 बातें नहीं लगता ना तो मान लेना ये फाइनेंस लीज है ही नहीं। जैसे नंबर 1, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि एसेट्स लास्ट में आप खरीद सकते हो। नंबर 2, इसके अंदर एसेट्स आपने पर्सनली कस्टमाइज करके क्रिएट करवाया तब आपने लीज पे लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, तो कुछ एसेट्स होता है जो अपने हिसाब से आपने पर्सनली क्रिएट कराया, हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने एम्बुलेंस, 50 एम्बुलेंस ले लिए, सामने वाले ने बोला हाँ मैं दूंगा 50 एम्बुलेंस, कैसे दूंगा, तो एम्बुलेंस को मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके लिया। अब बाद में आपको भी पता है एम्बुलेंस ये वापस लेगा क्या, दूसरे जगह बेच भी नहीं सकता, ये इजीली बिकेगा नहीं क्योंकि वो हर किसी के यूज में थोड़ी ना आएगा। तो ऐसा कोई एसेट्स जो पर्सनली कस्टमाइज करवा के लिया है, अगर ऐसा कोई दिख रहा है उसके अंदर सिम्टम्स, तो ये भी फाइनेंस लीज है। यानी पहला क्या,
आपको एसेट्स को दिया जाएगा किराए पे और बाद में आपको खरीदने का ही ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये कौन सा लीज है? और एसेट्स या आपने क्या करा हो, कस्टमाइज करा लिया हो। तो कुछ 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं लॉ में, वो 5 पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए इंडिकेटर, मेरे पास शायद क्लियर ना दिख रहा हो लेकिन आपकी किताब में भी ये सारे पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज, ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं कि उसे फाइनेंस लीज मानोगे। पहला पॉइंट बोलता है यहां पे, क्या बोलता है, द लीज ऑफ ट्रांसफर ऑनरशिप एसेट्स लेसी बाय एंड ऑफ टर्म। समझ में आई बात? कहता है कि लेसी जो है, लीज जो है ट्रांसफर हो जाएगा ऑनरशिप एसेट्स टू द लेसी, लेसी मतलब वही किराएदार, किराएदार के पास ये ट्रांसफर हो जाएगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म, जैसे ही खत्म होगा वो। पहला सिम्टम्स ये। दूसरा सिम्टम्स कहता है द लेसी किराएदार जो हैज ऑप्शन टू परचेज एसेट्स प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड सफिशियंटली लोअर देन फेयर वैल्यू, ऑप्शन बिकम एक्साइजेबल, इंडिकेट द लीज रीजनेबली सर्टेन पोर्शन टू बी एक्साइज। मतलब हम एक पहले तो होगा कि ऑटोमेटिकली उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, एक दूसरा उसको ऑप्शन देंगे कि एक वैल्यू छोटा सा अमाउंट दे दो भाई और ये तुम ही ले लो, दो इंडिकेटर हो गया। तीसरा इंडिकेटर क्या है सर, लीज टर्म फॉर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स नॉट ट्रांसफर, मतलब के ज्यादा से ज्यादा उस एसेट्स को किराएदार ने ही इस्तेमाल कर लिया, पूरा एक तरीके से उसको खा लिया उस एसेट्स को उसने यूज कर लिया, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उस एसेट्स में। तो मेजर पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे 10 साल लाइफ है, बोले 9.5 साल मैं यूज करूंगा, तो भाई तूने ही तो यूज कर लिया, अब क्या बचा इसके अंदर। तो इस तरीके से कहता है द लेसी टर्म्स फॉर द मेजर पार्ट, मेजर पार्ट मतलब जो मैक्सिमम पार्ट है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, उसको टाइटल नहीं दिया फिर भी उसने मैक्सिमम पार्ट यूज ही कर लिया। अब डी पार्ट, एट द, जो चौथा पार्ट है क्या कहता है, एट द इंडिपेंडेंस ऑफ द लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट एट लीस्ट सब्सिक्वेंटली ऑल फेयर वैल्यू लेसी एसेट्स। मतलब जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू, हमारा एक मिनिमम लीज पेमेंट बनता है, एमपीएल बनता है, वो हम देखेंगे अभी। पांचवा पॉइंट, द लेसी एसेट्स ऑफ स्पेशलाइज नेचर, जो एम्बुलेंस वाली बात का है कि जो उसका नेचर है एसेट्स का स्पेशलाइज, सच ओनली लेसी कैन बी विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन बीन मेड, उसने मेजर मॉडिफिकेशन के साथ उसको बनवाया हो। तो अगर ये पांच बातें आपको नजर आती है किसी के अंदर तो आप बोल देंगे कौन सा लीज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए फाइनेंस लीज के मेजर सिम्टम्स क्या है या इंडिकेटर्स क्या है। तो ये 5 पॉइंट ही लिखना है, किसी भी किताब में चले जाओ दुनिया में यही 5 पॉइंट मिलने वाला है आपको, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से बना के लिख दिया। ये कहाँ लिखा गया, ये AS 19 में लिखा गया है, तो उसी के लाइन है ये, मैं भी यही पढ़ाऊंगा और आप बुक में भी देखोगे तो यही लिखा होगा, बस हाँ ये सिंपल वर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है। लिखी 5 बातें हैं। चलिए सर, इसके बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल भी है किताब में, तो उसको मैंने समझा दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप सेल्फ पढ़ते तो आपको पढ़ना पड़ता, बाकी मैंने समझा ही दिया इसका मतलब क्या है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, ये सारे वर्ड देखिए, फिर मैं कुछ कुछ वर्ड और जोड़ता जाऊंगा और नई नई चीजें सीखते जाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं कुछ कुछ वर्ड जोड़ता जाऊंगा। ये सारे शब्द लेसी, लेसर, गारंटीड रेजिडेंस, अनगारंटीड, इम्प्लिसिट रेट, IRR, फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू कौन बताता है, किसके लिए फेयर वैल्यू होता है, ये मकान मालिक के लिए, जितने का वो सामान को खरीदता है, किराएदार के लिए फेयर वैल्यू, किराएदार समझता है उसको फेयर वैल्यू, और एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन रिकॉर्ड करेगा फाइनेंस लीज में, किराएदार या मकान मालिक, किराएदार एसेट्स को लिखेगा, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, किराएदार, लेकिन ऑपरेटिंग में कौन चार्ज करेगा, मकान मालिक। अभी IRR पे आएंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और या इम्प्लिसिट रेट या डिस्काउंटिंग रेट, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं, पहले बताइए यहां तक कोई डाउट।
कहना है सर इंडिकेटर का फोर्थ पॉइंट नहीं समझ में, अभी समझा दूंगा, बाकी तो चार समझ में आ गए, बस फोर्थ पॉइंट को मैं समझा दूंगा वो कहना क्या चाह रहा है। चलिए अब हम समझते हैं सर, क्या समझेंगे सर, अब हमें समझने का टाइम आ गया हमारे, कि सर डिस्काउंटिंग रेट या आईआरआर क्या होता है। आईआरआर या डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, देखिए मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अब भी एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि आपके रजिस्टर को ही ले लेते हैं, या फिर मैं पेन को ले लेता हूं। मेरे पास मान लेते हैं आज टुडे, आज की डेट पे मेरे पॉकेट में 5 रुपए हैं, और आज मैंने एक सेल्लो का एक पेन परचेज किया, आज मैंने एक सेल्लो का पेन बाय किया जो कि ग्रिप वाला था, वो 5 रुपए में मिल गया मुझे। लेकिन मैं आगे आने वाला 5 ईयर के बाद जाऊं, और आज मैंने फैसला किया कि यार ये 5 रुपए का जो पेन है ना, मैं आज खरीद रहा हूं, शायद मैं कहीं और से इंतजाम करके चला लेता हूं। आज 5 रुपए का रेट पता किया मैंने, मेरे पॉकेट में 5 रुपए, और 5 साल बाद भी मेरे पॉकेट में 5 रुपए ही है। अब मैं जाता हूं कि इस पेन को अब खरीदने का सही वक्त आ गया है, खरीद लिया जाए। एग्जाम आ गया है, अब खरीद लिया जाए। जब मैं खरीदने के लिए गया तो सेम पेन जो है अब मुझे 5 रुपए में नहीं मिलेगा, यानी वो पेन मुझे मिल रहा है कितने में सर, लगभग लगभग मान लेते हैं कि 7 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है, 7 रुपए का। इसका मतलब सर जो मेरे पास आज रुपए है और मैं प्रोडक्ट आगे खरीदने जाऊं तो मुझे और रुपए लगा के खरीदने होंगे। अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई तू मुझे 5 रुपए आज दे दे और मैं तुझे 5 साल बाद 7 रुपए दे दूंगा, तो मैं कहूंगा भाई मैंने तेरे से कुछ कमाया ही नहीं। आपको लगेगा कि मैंने 5 रुपए लिए और 5 साल बाद आपने मुझे कितने वापसी कर दिए, 7 रुपए। तो आप सोचोगे एक बार को कि 2 रुपए तो ब्याज आ रहा है, लेकिन सच्चाई ऐसा, आज भी आप एक पेन खरीद पा रहे थे और 5 साल के बाद भी आप एक ही पेन खरीद पा रहे हो, तो आपका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। ये तब बेनिफिट होता जब कोई बोलता तुझे मुझे कितना दे दे, 8 रुपए दे दे, तब 1 रुपए का बेनिफिट मानता मैं। यानी हमारा रुपए का वैल्यू ना डेप्रिशिएट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आज जितनी चीजें आज आपके पॉकेट में 1 रुपए है, यही 1 रुपए कल शायद ये 90 पैसे के बराबर रह जाए, और उससे आने वाले समय में भी ये और घटता जाएगा। आपने सुना भी होगा ऐसे कहते हुए भी कि पहले 5 रुपए में पूरे घर का खर्चा चल जाया करता था, आज 5 रुपए तो कोई उठा के तैयार नहीं है अगर आपको मिल जाए कहीं गिरा हुआ तो। नहीं, 1-2 रुपए तो नहीं उठाते। पांच रुपए का वैल्यू नहीं, अगर आपको अगर कहीं जा रहे हो ना और 5 रुपए आपको 5 रुपए, अगर मैं 5 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर आप कहीं जा रहे हो कहीं चेंज नहीं है और फिर वो बोले 5 रुपए चेंज है, अरे छोड़ यार 5 रुपए, तो बाकी पैसे दे हम चले जाते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन पहले 5 रुपए के पीछे मर्डर हो जाया करता था कि भैया ये चीजें जो है पैसा मेरा ब्याज पे दिए करते थे। यानी आप समझ सकते हो पुराने जमाने में पैसे, आज के जमाने में पैसे, रुपया तो वही है लेकिन रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। 100 रुपए भी बहुत हुआ करता था, अब 100 रुपए भी बहुत कम लगता है, एक बार को पता ही नहीं चलता कब खर्च हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अकाउंटिंग क्या सिखाता है कि भैया
आप अगर लीज के 50-50 हजार रुपए हर साल ले भी रहे हो, आप लीज के हर साल कितने कितने रुपए ले रहे हो, तो पहले साल में तो ठीक है सर, ये 50 ही मिला मुझे अभी तो ठीक है, लेकिन अगले साल में जो 50 हजार दे रहे हो, ये 50 हजार है ही नहीं एक्चुअल में, ये 50 हजार से कम है। आप मुझे 50 हजार जरूर दे रहे हो, लेकिन 50 हजार से इसकी वैल्यू कम है। सेम ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये और कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और कम है। अगर मैंने कोई भी एसेट्स लिया, मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, यानी 2.5 लाख रुपए का एक एसेट्स आपको दे दूं, और हर महीने 50-50 हजार रुपए ले लूं, और मैं सोचूं नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो बेवकूफी है, मैं लॉस में हूं मैं, क्योंकि आज की डेट में मैंने पॉकेट से खर्च कर दिया 2.5 लाख, और इसी 2.5 लाख को मैं अगर इकट्ठा भी कर लूं और 5 साल बाद इसी एसेट्स को खरीदूं तो नहीं मिलेगा, यानी मेरा तो हो गया लॉस। तो यानी हमें इसको एक ऐसा रेट से मल्टीप्लाई करना हो जिससे हमें प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाए, यानी कल जो 10 रुपए है आज उसकी कितनी वैल्यू है वो पता चल जाए, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और ये तय होता है इन्फ्लेशन रेट पे, जैसे बोलते हैं ना महंगाई बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन रेट जितना ज्यादा होगा ना उतना बैंक में आपको एफडी पे ब्याज ज्यादा मिलेगा, और जितना इन्फ्लेशन रेट कम होगा उतना एफडी पे ब्याज कम मिलेगा। बैंक में जब आप एफडी करवाते हो तो आपको मिलता कुछ नहीं, आपके रुपए की वैल्यू को मेंटेन करते हैं वो, आपको ब्याज नहीं मिलता कहीं कभी भी। अगर मान लेते हैं आज 7% ब्याज दे रहा है बैंक, तो ब्याज नहीं है, 1 साल बाद 7%, वैसे भी महंगाई बढ़ जाएगी, आज का इन्फ्लेशन रेट ही 7% है। तो आरबीआई जो बैंकिंग वगैरह का जो रेट तय करते हैं ना इंटरेस्ट, तो ब्याज हमारा बस दिमाग का एक भ्रम है कह लो कि ये ब्याज मिल रहा है, एक्चुअल में वो ब्याज होता ही नहीं। कई बार कहा जाता है कि आप, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि आज 5 लाख रुपए जमा कर दो, 10 साल बाद डबल हो जाएगा, तो 10 साल बाद महंगाई भी डबल हो जाएगी भाई। तो आपको 5 के 10 जरूर मिल रहे हैं, तो बैंक वाले क्या कर रहे हैं, आपके रुपए की वैल्यू को घटने नहीं दे रहे हैं, उसी को कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन कमाई नहीं कर रहे आप, इस बात का ध्यान रखिए। तो सर हमें एक ऐसा रेट निकालना है यहां पे जिसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। तो जो लेसी है ना, जो किरायादार है, लेसी है जो, वो कहता है कि एसेट्स को हम अपना मान लें, लॉ कहता है हाँ भाई एसेट्स तुम अपना मान लो, और इस एसेट्स को कहां दिखा दो बैलेंस शीट में। तो लेसी दिमाग लगाता है कि भाई इस एसेट्स को बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, तो हमें आपने जो एक ओरिजिनल प्राइस बताया है 50 लाख रुपए अगर मान लो तो उस पे लिखें, या फिर एक्चुअल में उस पैसे की वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखें, एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखें। मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू आता है 40 लाख रुपए, क्योंकि रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होगा, क्या लिखें। तो लॉ कहता है भाई किराएदार तुम एसेट्स को जरूर लिखना, लेकिन इन दोनों वैल्यू में से जो कम आएगा उसी वैल्यू को लिखना, यानी एक्चुअल वैल्यू। और ये जो एक्चुअल वैल्यू मैंने नाम दे दिया, इसका भी नाम होता है हमारा फाइनेंस लीज का वैल्यू कहते हैं हम इसको। अभी सारे नाम के ऊपर चर्चा, पहले हम नॉर्मल टर्म्स में इस नाम को समझ लेते हैं, फिर तो किताब में देख के पता ही चल जाएगा इसको क्या बोलना है। तो लॉ क्या कहता है कि जो किराएदार है वो एसेट्स को जो रिकॉर्ड करेगा वो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा, विच एवर इज लोअर, कौन सा, जितने का भाई मकान मालिक तूने खरीदा था और जितने का हम कैलकुलेशन करके बताएंगे, उन दोनों में से जो लोअर होगा उस वैल्यू पे खरीदेंगे, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तो सवाल ये बनता है कि भैया बताओ किराएदार एसेट्स कितने में लिखेगा अपने बैलेंस शीट में, तो ये वाला वैल्यू तो मिलेगा, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा वो सीखते हैं, इस वैल्यू को कैसे, पहले कैलकुलेशन पार्ट सीख लेंगे, फिर जर्नल एंट्री में कुछ नहीं रहता, 2-3 जर्नल एंट्री है। तो सर आपको मान लिया जाए कैसे निकाला जाएगा, इसका एक फॉर्मेट है, बाकी जब आगे क्लासेस में जाओगे ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखोगे, उसमें तो दुनिया भर की चीजें यही सिखाई जाती है, बस उसका एक छोटा सा पार्ट आपको यहां सिखाया जा रहा है। हम क्या करेंगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम,
चलिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं सर। एग्जाम्पल जो है, एसेट्स जो परचेज किया मकान मालिक ने, यानी लेसर ने, वो खरीदा है 50 लाख का, और बदले में जो रेंटल मिलेगा इसे वो मिलेगा 5 साल तक, और 5 साल तक रेंटल वैल्यू मिलेगा इसे कितना? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तो इसे मिलेगा 11 11 लाख रुपए, 11 11 लाख रुपए। समझ रहे हो बात? 5 साल तक 11 11 लाख रुपए, और एक इनके बीच में एग्रीमेंट डिसाइड हुआ, यानी एक डीड डिसाइड हुआ कि भाई किराएदार, तू इस एसेट्स को तू ही खरीद लियो, तो बता तू खरीदेगा तो कितने रुपए देगा। तो यानी एक गारंटीड वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, गारंटीड वैल्यू बोला भाई ज्यादा नहीं दूंगा मैं, 3 लाख रुपए से तो ज्यादा दूंगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये इस तरीके से शब्द मिलेंगे आपको कि उसने बोल दिया इतने का देंगे। अब मुझे तय करना है कि किरायेदार जो है वो अपने बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा एसेट्स को। तो लॉ कहता है, AS 19 कहता है कि ये वैल्यू और जो इससे निकालोगे उसमें से दोनों में से कम होगा वो दिखाएगा। यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए तो रेट पता होना चाहिए। मैंने बोला भैया रेट जो है ना डिस्काउंटिंग, वो मान लेते हैं कि 10% है। कितना रेट है? तो यहां पे आपको कैलकुलेटर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है सर। सर कैलकुलेटर की बहुत जरूरत क्यों पड़ेगी, सुन लीजिए। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे, मैं समझाऊंगा भी और ध्यान से भी देखिएगा, ये सबसे पहले होगा ईयर, फिर होगा रेंट का वैल्यू, फिर होगा डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट जिसको हम PVAF भी बोलते हैं, PVF बोलते हैं, पर उस टेक्निकल में नहीं जाते, और ये होगा PV यानी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले पहले साल में रेंट मिलेगा हमें 11 लाख, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में, चौथे साल में, और पांचवें साल में 11 मिलेगा, और ये गारंटी वैल्यू भी देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? पहले ये समझिए बात, पांचवें साल में टोटल कितना मिलेगा? 14 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आया 14? या आप ऐसा भी कर सकते हैं, पांचवें साल में 11 लाख, एक और पांचवें साल में 3 लाख, वो तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब हमें इसका डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 10%, तो 10% डिस्काउंटिंग रेट है ना, तो आज 1 रुपए का वैल्यू जो है ना वो अगले साल 10% घट जाएगा। इसका मतलब जैसे 1 रुपए आज है, तो 1 रुपए पे 10% घटाओ कितना बनता है? 9 रुपए, तो 90 पैसे के आसपास बनेगा अगले साल में। तो इसका रेट कैसे निकालेंगे हम? 1 कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10% है, एक 1 रखेंगे, 1 और प्लस प्लस जो अगर 10 है तो 10 को मैं 0.1 बोल सकता हूं, और इसको प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, जैसे मेरे सवाल के अंदर इसको करेंगे तो 1.1 ही आएगा। इक्वल टू करा तो पहले साल में, जो पहले साल में आएगा मेरे कैलकुलेटर पे आ गया 0.909। कई बार ये जो है ना डिस्काउंटिंग रेट का, ये डिस्काउंटिंग वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, तो आप उठा के लिख दीजिएगा। अगर नहीं देता तो कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। एक बार प्रेस किया तो 1 साल का, दूसरी बार किया तो सर दूसरे साल में 1 रुपये पता है कितना हो जाएगा? 82 पैसे। सर तीसरे साल में, तीसरी बार इक्वल टू दबाना, कुछ नहीं छेड़ना, तो 751 यानी 75 पैसे। चौथे साल में इक्वल टू करेंगे, अरे 68। छठे साल में इक्वल टू करेंगे, पांचवें साल में, सॉरी, जिसके पास कैलकुलेटर है वो करके देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर पे वर्क करेगा। आ रहा है? तो ये क्या है, आपको या तो एग्जामिनर सवाल में देगा या आपको खुद निकालना होगा। चलिए सर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.909 इंटू में 11 लाख, तो ये आ गया 99990। इसके बाद 11 लाख इंटू में 0.826,
11 लाख, आप भी बताइए मल्टीप्लाई करके, इंटू 0.826, ये आ गया 908600। उसके बाद 11 लाख 0.751, ये आ गया 826100, ये आ गया 11 लाख 0.683, ये आ गया 751300, ये आ गया 14 लाख इंटू में 0.620, ये आ गया 868। सर टोटल कितना आया कर लेते हैं, 999000। ये आ गया 43,53,900 रुपया। लॉ क्या कहता है, आप एसेट्स किराएदार, आप एसेट्स जो लिखेंगे 6, 8, 14 लाख है ये, ठीक है, तो ये आ गया 43,43,53,900। मतलब मकान मालिक ने एसेट्स का वैल्यू ये लिया, किराएदार ने अपने हिसाब से ये निकाला। ये पता है कौन कर रहा है, ये लेसी कर रहा है। मकान मालिक ने बोला भाई 50 का एसेट्स, बोला 50 का कैसे भी मैं कैलकुलेट करता हूं, तो किराएदार ने निकाला भाई तेरा एसेट्स का वैल्यू बन रहा है कितना, 43,53,900। समझ रहे हो बात को। अब किराएदार ने ये बताया, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, भाई किराएदार अपने एसेट्स बैलेंस शीट में लिखो, लेकिन किस वैल्यू पे लिखोगे, जो दोनों में से, एक जो तुमने वैल्यू निकाली और एक जो मकान मालिक वाले फेयर वैल्यू था, तो दोनों में से कम ये है, तो ये वैल्यू आपके बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। इसे बोलते हैं मिनिमम लीज प्राइस वैल्यू, जितना मिनिमम लीज प्राइस होगा। अभी देख लेंगे टेक्निकल वर्ड, पहले समझ में आते जाए कि क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन आपका 7 से 8 नंबर का आएगा, और आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप मान के चलो, ठीक है। इस पे केस स्टडी बन जाएगा आपका, कि आप बताओ मिनिमम लीज प्राइस क्या होगा, आप बताओ आपका गारंटीड अमाउंट क्या है, आप बताओ अनगारंटीड अमाउंट क्या है, इस तरीके से। तो ये सारा चीजें जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे, वो LEA लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, कि वो बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड करेगा। पहले यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन भी लिखने वाली बात। तो सर जो डेप्रिसिएशन होता है ना, जो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं ना, हमारा होता है एक SLM और एक होता है, बोलते हैं भैया लीज में ये सब नहीं चलता, ना तो SLM से मेथड लगेगा, ना तो WDB से लगेगा। इसके अंदर परपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। परपोर्शनेटली का मतलब, मान लेते हैं कि मेरा रेंटल वैल्यू या हमारा इनकम वैल्यू, जैसे मान लो कि 5,000 है, 7,000 है, 8,000 है, ठीक है, ये है, और मेरा टोटल एसेट्स जो है, एसेट्स मान लेते हैं 5, 7, 12 और 8, 20, 20,000 का है, ठीक है। कितने है हमारा एसेट्स, ये ईयर वन है, ईयर टू है, ईयर थ्री, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कमाई इसकी। अब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना, वो 20,000 रुपए डिवाइडेड बाय इन सभी का टोटल, इस रेशियो में बांटेंगे बेसिकली। जैसे पार्टनरशिप में एक प्रॉफिट होता था, उसको 3 में बांट देते थे ना, सेम इसको इस रेशियो में बांटोगे, जो रेशियो में बटेगा वही डेप्रिसिएशन होगा। यानी इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000, और इनटू में 5,000, ईयर वन के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप 5,000, ऐसे सर ईयर टू में क्या करोगे, 20,000 टोटल और डिवाइडेड बाय 20,000, ये क्या है ऊपर सर एसेट का वैल्यू, नीचे क्या है टोटल रेंटल वैल्यू कह लो या फिर प्रोडक्शन वैल्यू कह लो, और इनटू में जो एक साल का काम चल रहा है। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करना समझ में आया आपको, ये कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, बड़ी सीधी सी बात है। सर लीज के अंदर क्या है सर, एक तो निकालेंगे किस वैल्यू पे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, और डेप्रिसिएशन, और ये सारा लीज कौन सा चल रहा है, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में तो झंझट ही नहीं है,
ऑपरेटिंग लीज तो सिंपल हो जाता है, समझ में आया? चलिए एक सवाल ये है, दो चीजें पूछा है यहां पे, ये आपकी किताब का ही सवाल है। इलस्ट्रेशन नंबर वन क्या कहता है? कहता है एनुअल लीज रेंट 80,000 है, लीज ड्यूरेशन 5 साल है, गारंटेड रेजिड्यूअल वैल्यू 40, याद आ रहा है, और अनगारंटेड रेजिड्यूअल वैल्यू 25, फेयर वैल्यू और इम्प्लिसिट रेट आपको बोलता है परसेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यानी जो मिनिमम लीज पेमेंट है जो कि निकाल रहे थे, परसेंट वैल्यू गिव जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मिनिमम लीज पेमेंट, पहला पॉइंट। और सर इसका डिस्काउंटिंग रेट आपको दे दिया, आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, पहले साल ये वैल्यू होगा, दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल ये होगा, चौथे साल ये होगा, पांचवें साल ये होगा। अब सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है मिनिमम लीज पेमेंट? अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर पूछा जाएगा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है, ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। आगे कहता है एलोकेशन ऑफ द फाइनेंस चार्ज समराइज जीरो रेजिडुअल वैल्यू, इसको भी हम अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले पहले पॉइंट को कर लें। पहले पॉइंट को करने के लिए वही कॉलम बनाने पड़ेंगे जो अभी बनाए थे। एक आ जाएगा टोटल वैल्यू, एक आ जाएगा रेट, एक आ जाएगा रेंट का वैल्यू, और एक आ गया ईयर। सर ये आ गया आपका रेंट, ये आ गया डिस्काउंटिंग रेट, और ये क्या आ गया मतलब प्रेजेंट वैल्यू, और ये ईयर आ गया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल। पहले साल आपका किराया 80 मिलेगा, दूसरे साल भी 80 रहेगा, तीसरे साल भी 80 रहेगा, चौथे साल भी 80 रहेगा, पांचवें साल ना आपका गारंटीड वैल्यू को और ऐड कर देंगे, नॉन गारंटीड वाले को नहीं करना, सिर्फ गारंटीड वैल्यू को। तो गारंटीड वैल्यू कितना है इसका? तो 1:20। अब डिस्काउंटिंग रेट क्या है? 0.890, 0.790, 0.6, नहीं 700, 700, 0.622, 0.552। आप वैसे भी निकालोगे ना कैलकुलेटर पे तो यही वैल्यू बनेगा, जैसे 12.56 है ना, तो 1/1.226। देखो पहली बार का भी 888 बन रहा है, 90 कर दिया उसने राउंड फिगर में, 788 बन रहा है उसको भी राउंड फिगर कर दिया, 700 बन रहा है उसको 700 ले लिया, यानी यही बनेगा। ये नहीं भी देता तो आप कर पाओगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हर बार देगा, ठीक है? चलिए सर अब मल्टीप्लाई करके फटाफट बता दीजिए जवाब आप। 7-1। अगला ये आ गया 56,000। बताइए बताइए, समझ में आया? इन सभी को जोड़ देंगे, ये आ गया सर 30,6400, और फेयर मार्केट वैल्यू जो था ना 3, और सर आपका ये कौन सा वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू, MLP, मिनिमम लीज पेमेंट, तो MLP होगा हमारा 3,06,400, ये आंसर आ गया हमारा। हमसे ये नहीं बोला कितने पे रिकॉर्ड करेगा, उसने बोला MLP बता दो, मिनिमम लीज पे।
कोई दिक्कत इसमें? समझ में आए? ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं इसकी मतलब कह रहे हैं हेडिंग क्या होगी, बच्चे पूछ रहे हैं। हेडिंग कुछ नहीं होगा, बस वर्किंग नोट में डाल सकते हो या फिर टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी डाल दो बस, आप चलेगा। समझ में आया? चलिए, दूसरा पॉइंट कहता है कि एलोकेशन फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड। आप बताइए कितना इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्ज का मतलब ब्याज, एलोकेशन फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड बाय अज्यूमिंग जीरो रेजिडुअल वैल्यू। मान लो कि लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलना, तो आप बताइए हर महीने कितना ब्याज ले रहे हैं। देख रहे हो क्वेश्चन क्या पूछा? समझ में आ रहा है? यानी इसके अंदर आप कितना कितना ब्याज मान के चल रहे हो ये बताइए हमें। पहले समझो क्या है दूसरी लाइन। कई बार आपसे ना रेट भी पूछा जा सकता है, वो भी निकालना बता दूंगा। वैसे वो आएगा नहीं आपके सिलेबस में रेट, वो एडवांस चला जाता है। आपसे पूछा गया बताइए कितना मिनिमम चार्ज होगा, इसका भी टेबल बना के बता दे, समझ में आ जाएगा। पहले यहां तक समझ में आया? चलिए बेहतर रहेगा मैं यहीं करके दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा। ये तो पता ही चल गया, इसको नहीं चले जाते। ये ना पहले ना आपका शायद सेकंड सेमेस्टर में आएगा हायर परचेज, वहां पे तो खूब सारे क्वेश्चन करा करते थे, लेकिन अब सिलेबस में से घटा दिया तो क्या करें। वहां पे तो खूब सारे क्वेश्चन थे ऐसे, हर किसी का करने का अपना स्टाइल है। बुक वाले अपने स्टाइल से करते हैं, मैं अपने स्टाइल से कर देता हूँ, जो मुझे आसान लगता है वो मैं कर देता हूँ। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर बुक के अंदर तो कॉलम इधर उधर है, आंसर आप बस मैच करिएगा लास्ट में। देखिए सबसे पहले ईयर वन में आप टोटल ड्यू लिख लीजिए। आप मुझे बताइए टोटल ड्यू में हम क्या लेंगे, कितने रुपए का एसेट्स कंसीडर किया जा रहा है, ब्याज निकालेगा कौन, निकालेगा ब्याज, लेसी निकाल रहा है ब्याज। तो जो हमने बोला था बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे उसी के ऊपर तो ब्याज निकालना चालू करेंगे। तो कितना है हमारा टोटल ड्यू, कितना है? अब इसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा, ये रहा रेट। ये ब्याज का ही तो रेट होता है, इम्प्लिसिट रेट को ही ब्याज का रेट बोलते हैं। बैंक के अंदर 7% देता है ना आपको ब्याज, बोलते ब्याज है तो, लेकिन वो ब्याज नहीं इम्प्लिसिट रेट है, लेकिन पता नहीं चलता। कितना आ गया यहां पे इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना आया 386 पॉइंट को छोड़ो। अब आपने टोटल जो लीज का पेमेंट किया, रेंट किया, वो रेंट कितना पेमेंट किया सर, रेंट पेमेंट किया 80। तो आप ब्याज पता है कैसे देते हो, आप मान लो मेरे से 2 लाख रुपए कर्जा लोगे, आपने 25,000 लौटा दिए, तो अगली बार क्या फिर मैं आपसे 2 लाख पे ब्याज मांगूंगा, 1,75 पे मांगूंगा? तो जैसे जैसे मैं आपका पेमेंट दे रहा हूं उसी पे तो ब्याज लोगे आप। तो सिंपल सी बात है, आपका इतना कर्जा था, इतना इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल ये था। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे भाई, 80,000 में से चलो ब्याज घटा देते हैं, 4,341 आएगा, 3 आएगा, 80 में से 40 करेंगे तो 80 में से ये घटाना है। यही आ रहा है 43,394, पता नहीं कर 38 है ये, तो ऐसे बोलो। चलो पहली वाली बात समझ गए ना, तो सब कुछ समझ गए। मैं तो कहता हूं ऐसा सवाल आ जाए 15 नंबर में तो आपके लिए एक तरीके से लॉटरी लग जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आ नहीं रहा। ज्यादातर बच्चे इसी चैप्टर को लेकर परेशान है क्योंकि नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ, पहले था ही नहीं ये चैप्टर, नहीं था पहले। अब आप देखिए आपका ये कर्जा था, ये ब्याज है, ये आपका रेंटल वैल्यू था और इतना प्रिंसिपल दे चुके हैं, मतलब 80 में से इतना ब्याज दिया तो प्रिंसिपल इतना दे दिया। तो अगली बार जो ब्याज लगेगा वो इसमें थोड़ी लगेगा, इसमें से पहले ये प्रिंसिपल घटाओगे तो सेकंड ईयर के अंदर जो ब्याज लगेगा वो कैसे लगेगा,
आपका 306400 पे पहले जो हम दे चुके हैं उसको घटाएंगे, तो बाकी जो बच गया 360640, 360640, अरे बहुत ज़्यादा आ रहा है, 306400, अरे माइनस सिक्स 26500। अब इस पे भी आज लगाओगे ना आप, इस पे भी आज लगा दो 12.6%। मर्जी है, छोड़ो ना, 1-2 रुपए कोई नहीं देखने आ रहा, समझ में आया। अब अगली बार का भी प्रिंसिपल निकाल पाओगे आप, यानी सर इसमें से माइनस 80,000 कर देते हैं, तो 80,000 का रेंटल जा रहा है, तो 46,610, यानी आप 2 साल का ब्याज निकालने में कामयाब हो गए। कितने साल का निकालना है भाई, ऐसे ही करते जाएंगे आगे तक, और लास्ट में 0 बच जाएगा हमारा। तीसरे साल का ब्याज सर, अब हमारे पास 2,65,006 रुपए था, जिसमें से हमने 46,610 दे चुके हैं, तो 2,65, तो 218। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 27517। अब इसमें 80,000 माइनस हो जाएगा, एक दो रुपए आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे हम फिर, चलो इसको थोड़ा जगह बना ले। चौथा है, 2,108, 396 माइनस 52, 52,482, तो आप 1,65,914 पे 12.6%। अस्सी हजार चार साल का निकल गया, क्या इसके बाद 5वें साल में क्या बच रहा है माइनस करके? ये बच रहा है 5वें साल में, बता रहा हूं, डायरेक्ट माइनस कर दिया, स्पेस नहीं था, माइनस कर दिया, दिखा देते हैं आपको भी पता है कैसे करना है। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा 106,820। अब आखिरी बार का ब्याज पता है कैसे निकालना, आपका मैच ही नहीं होगा। देखो 106,820, इस पे 12.6% निकालोगे तो 13,000, 460 मान लेते हैं। अब 80,000 में से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, 1 साल 2 3 4 5। अब 80 में से ये माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, समझ रहे हो? तो 80 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 66,540 समथिंग ही आ रहा है, पहले यहां तक देखो, कहाँ? हाँ, 1,20 लिखेंगे, रुक जाओ रुक जाओ, पहले यहां तक देखो, 5वें साल को छोड़ो, 4 तक समझ में आ गया, 5वें साल में 1,20 आएगा ये, क्योंकि 1,20 था ना उस साल, तो अब माइनस करोगे ना तो यही आ जाएगा,
लगभग। तो आप लास्ट वाले में ब्याज ना निकाल के इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो हमेशा, क्योंकि एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, फर्क आ जाएगा 100-150 रुपए का, ठीक है ना। तो लास्ट वाले में ये करोगे, तो ये क्या निकाल लिया, हर साल का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। क्या चीजें सीख ली हमने, दो चीजें, आज चैप्टर को खत्म करेंगे। दो चीजें सीख लिया, नंबर वन जो लेसी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना यूज करेगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन भी देख लिया कैसे करते हैं, बस मेजर चीजें यही है। अगले सवाल पे चले, कहता है इसमें जर्नल एंट्री बता दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर वन को मान के, मतलब भैया इसी की जर्नल एंट्री करके बता दो, ठीक है ना, इसी की जर्नल एंट्री करके बताना है। पहले यहां तक समझ में आया, तो इलस्ट्रेशन टू में आपका यही कहता है इसी की जर्नल एंट्री करके बता दीजिए किसके अकाउंट में, लेसी, अभी लेसी का ही अकाउंटिंग चल रहा है, अभी लेसर के अकाउंट पे नहीं आए हैं। अरे 100-150 का फर्क आएगा ये, क्या हुआ ये, हाँ माइनस करके लिखा है इसमें से, फाइव फोर जीरो ये लो कर देते हैं। मैं अपने कैलकुलेटर पे लेके चल रहा था, क्या आ रहा है, 5 4 0, ठीक है। अब जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं, ये काम किसने किया, अभी हम किसके बुक्स ऑफ अकाउंट सीख रहे हैं, लेसर में ज्यादा कुछ होता है नहीं, उसने तो बस पैसा लेना है, बात खत्म। वो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करता, बस वो ये निकालता है कि फाइनेंस लीज में लॉस कितना होगा, भैया मैंने इतने पे लिया इतने पे, तो उसको तो लॉस प्रॉफिट से मतलब है सिर्फ। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। जनरल एंट्री देखें, अब चल जाएगा, इसलिए मैंने कहा लास्ट वाले में क्या करना, इसके और इसके बीच का डिफरेंस को ब्याज डाल देना, मल्टीप्लाई मत, वो मैच ही नहीं होता कभी फ्रिक्शन के कारण। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसके बुक्स की जर्नल एंट्री। सर इसके बुक्स की जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले ये एसेट्स को खरीदेगा क्योंकि लेसी है ना, ये क्या करेगा एसेट्स को, और उसको क्या बना देगा बीपी, उसको क्या बना देगा बिल्स पेबल। जब एसेट्स खरीदेगा तो एसेट्स को डेबिट कर देगा और उसको बना देगा बिल्स पेबल। अगले में क्या कहता है, गिव यूजिंग डेटा गिव जर्नल एंट्री ऑफ द लेसी, जो अगला पॉइंट है, कहाँ के कहाँ है, जर्नल एंट्री बनाना है इलस्ट्रेशन वन। तो इलस्ट्रेशन वन हमारे सामने ही है, तो हम इसी के कर ले तो ज्यादा बेहतर है। चले आगे, यानी बस मैं एक साल की एंट्री करूंगा तो पांचों साल की वही होगी, वो आपने करना है। तो चलिए सर, एक साल की एंट्री, सबसे पहले क्या करेगा ये, मैं एसेट्स खरीदने की बात करूं तो ये कहेगा मैंने एसेट्स ले लिया, एसेट ऑन लीज टू लेसर अकाउंट। सर कितने का, जो मिनिमम प्राइस था यानी 300, एक तो ये हो गया एसेट्स खरीदने की जर्नल एंट्री जो बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट्स ऑन लीज बैलेंस शीट में चला जाएगा, डेबिट है और इसको पेमेंट देना है इतना, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब जो पेमेंट दे रहे हैं हर साल, एक रेंट दे रहे हैं, उसी रेंट में ब्याज भी है, तो ब्याज को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देना है। ब्याज को किस में भेज देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो फाइनेंस चार्ज होगा उसे ले जाएंगे हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में।
अब बताइए 80,000 रुपए का पेमेंट, अब पेमेंट की बारी बात करते हैं, तो हम पहले साल में पेमेंट ये करेंगे या ये और ये करेंगे, दोनों पेमेंट करेंगे या सिर्फ 80 पेमेंट करना है? सिर्फ 80, क्योंकि 80 में तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना हमने 80 में। तो अब अगली एंट्री पे मैं जाऊं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। चलो अगली एंट्री पे जाएं तो क्या करेंगे हम, फाइनेंस खर्चा है तो फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्ज छोड़ो ना, इंटरेस्ट लिखेंगे हम इसको। अरे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूं फाइनेंस चार्ज, अकाउंट डेबिट टू। बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या था? आप पहले साल का इंटरेस्ट देखोगे तो कितना था? लेसर अकाउंट, पहले साल का ब्याज देखो 38,606। अब पहली एंट्री ये हो गई। सर बीइंग क्या लिखेंगे? फाइनेंस चार्ज बाय द लेसर, सर ईयर का, ईयर एंट्री। हाँ बिल्कुल, हर एक साल का एंट्री, बाकी एग्जामिनर आपसे एक ही साल का पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं सर। क्या होगा सर आपका बीइंग फाइनेंस चार्ज ड्यू, ये ड्यू हो गया हमारा बीइंग, चार्ज चार्ज बाय लेसर। दूसरा, अब इसका पेमेंट करना नहीं है, इसे P&L में भेज दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जो कि है फाइनेंस चार्ज, FC कर देता हूं, ठीक है, फिक्स कॉस्ट मत बोल देना इसको। ये आ जाएगा 38,606। यानी सर इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया और इंटरेस्ट को P&L में ले गए। अब पेमेंट करना है किसको करना है सर? पेमेंट लेसी को कितना पेमेंट करना है, रेंट कर लेसर को करना है कितना पेमेंट करना है, 80,000। अब पेमेंट कर दो, पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना पैसा? 80,000। सर बीइंग क्या होगा? अमाउंट पेड टू लेसर। अब ध्यान से देखिए, पहली एंट्री में मैंने तीन इतना लेसर को क्या करा, क्रेडिट कर दिया इतना सारा पैसा। अब धीरे धीरे हम लेसर को डेबिट करते जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, लेसर हमारा खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म, और मेरा बैंक घटता जाएगा घटता जाएगा, और एसेट्स भी हमारे, देखो आप कॉन्सेप्चुअल देखो तो हमारी सारी चीजें क्या हो रही है, टैली हो रही है। तो ये था लेसर का, मैंने तीन एंट्री करा। दूसरे साल में क्या करोगे? फिर से एक एंट्री, एक एंट्री, एक एंट्री, लेकिन ब्याज क्या होगा दूसरे साल का? दूसरे साल के टेबल से लोगे ब्याज आप, तो ये लोगे आप 33,300, तीसरे साल में 27,517, चौथे साल में ये और पांचवें साल में ये, बात खत्म। कर पाओगे एंट्री? आपके किताब में भी गिवन है और आप बुक से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे बात, कोई दिक्कत इसमें। लेसी का बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा हो जाता है यहां पे खत्म। अब आता है सर हमारा लेसर का बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल है, जनरल एंट्री भी हम देख लेंगे, बहुत साधारण सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम दो इलस्ट्रेशन कर चुके हैं और किताब में शायद चार ही इलस्ट्रेशन है, खत्म ही हो जाएगा ये, पांच है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल जो दे रखा है आप प्रैक्टिकल जरूर ट्राई करें, मैं प्रैक्टिकल करवाए जा रहा हूं और इसी बेस पे दो तीन प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या मेजर बात सुनिएगा आप, कुछ एक टर्म्स लेसर की बुक्स में। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, मेरे हिसाब से ना ये वाला थ्योरी आने की संभावना बहुत ही बहुत ज्यादा है, अब ये हमें समझ में आने लगेगा थोड़ा, अब ये हमें समझ में आएगा थोड़ा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज? किताब में दे रखा है, मैंने टेबलर फॉर्म में ये डाला हुआ है,
तो ऑपरेटिंग लीज कहता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन विद नो रिटेंशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, समझे, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है और इसमें लाइफ ऑफ एसेट्स रखा नहीं जाता। ये कहता है कंपेयर टू ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म नेचर कंटिन्यू विद द इकोनॉमिक यूजिंग लाइफ। समझ में आया पहला पॉइंट, यही समझा रहे हैं, समझ में आया। ये लंबे समय के लिए होगा, इसका लाइफ रिटेन यही कर लेगा सारा, मतलब उस एसेट्स को पूरी तरीके से यही यूज कर लेगा और ये नहीं करेगा। ये कैन बी रिवॉक्ड, ये रिवॉक्ड किया जा सकता है, मतलब कि भाई नहीं दे रहे तू निकल, मकान मालिक कह देगा निकल भाई तू छोड़ ये हटा। लेकिन इसके अंदर नॉर्मली नॉन रिको, जब तक नॉर्मली नहीं वापस लिया जा सकता क्योंकि एसेट्स उसके पास है यूज करेगा, जब तक वो डिफॉल्ट ना हो जाए तब तक वापस नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर लीज जो है आपका प्रोटेक्टिव अगेंस्ट रिस्क ऑफ एब्सोलेंस, मतलब जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगा वो मकान मालिक का होगा इसमें। यहां पे लेसी नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द आपका एब्सोलेंस, यहां पे लेसी प्रोटेक्ट होगा, मतलब लेसी कौन है, किराएदार। किराएदार बोलेगा मेरे को क्या मतलब, ऐसे टूट जाए भाई तेरा, और दूसरे वाले में अगर किराएदार ने ऐसे तोड़ दिया तो उसी को भरपाई करना पड़ेगा। कहता है कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसेट्स बोर्न बाय, कौन बोर्न करेगा यहां पे, लेसर, मकान मालिक करेगा भाई। और यहां पे नॉर्मली बियर बाय सच एक्सपेंस, किसके द्वारा, बड़ी सिंपल से देखो, अगर आपने इतनी देर का अगर सारी बातें मेरी सुनी है तो आपको डिफरेंस बस समझ में आता जाएगा और याद करना भी बड़ी बात नहीं है। और एग्जाम में इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 नंबर का सवाल आएगा जिसमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है 7 नंबर का, और जो 8 नंबर का भी सवाल किया जनरल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, फटाफट आप करके आ सकते हो। तो ये चैप्टर ना एनपीओ कितनी मेहनत करोगे तब आएंगे, 15 जैसे बोल रहे, 90 का पेपर आ रहा है तो मान के चलो 10 का तो आएगा ना, 9 नंबर का आ रहा है तो 9 का तो आ ही रहा है, तो 9 नंबर एनपीओ में आप जी जान लगा रहे हो जबकि इसके अंदर आपको बहुत कम टाइम देना पड़ रहा है। अगले पॉइंट पे चलिए, चलिए अगले पॉइंट पे, लेसी रेंटल नॉट सफिशिएंट कवर द कॉस्ट ऑफ एसेट, वो कॉस्ट एसेट्स का कवर नहीं करता, मतलब मकान मालिक ने जो किराए पे दिया है ना वो रेंट से अपना समझे कि एसेट्स की वैल्यू हम ले लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि यहां पे लीज रेंटल नॉर्मली इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स रीजनेबल रिटर्न, और वो कॉस्ट तो कवर करेगा ही मकान मालिक, साथ के साथ कुछ कमा भी लेगा, यहां पे जरूरी नहीं है। द लेसी ओनली प्रोवाइड यूज ऑफ द एसेट सर्टेन टाइम, रिस्क आपका ऑनरशिप होली टू द लेसर, सब कुछ उसका होगा, और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंस ऑनरशिप आर पास ऑन, उसको पास कर दिया जाएगा। द लेसी ओनली रिमेन द लीगल ऑनर ऑफ एसेट्स, जो लेसी होगा वो सिर्फ लीगली ऑनर रहेगा, सारी चीजें मतलब उसी को बियर करना होगा। तो यहां पे कुछ 4 6 पॉइंट है, आप कोई भी 5 याद कर लीजिए, इनफ है, ठीक है, बुक में नहीं है ये, अलग से इसलिए लिखा मैंने, बुक में दे रखा है थोड़ा सा मिक्स करके मैंने अलग अलग पॉइंट बना दिया, ठीक है, चलिए बताइए। हाँ किसमें, अभी लॉस प्रॉफिट, अभी अभी हमने लेसी का बुक किया है, अब लेसर वाले पे आएंगे ना तो वहां प्रॉफिट लॉस निकालना सीखेंगे। अभी तो सब कुछ लेसी का खत्म हो गया, लेसी का जर्नल एंट्री कर लिया, लेसी का हमने मिनिमम लीज एमपीएल निकालना सीख लिया, लेसी के लिए इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, और कुछ नहीं बचता लेसी के लिए करने के लिए। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज के बारे में, अब हम आ जाएंगे लेसर, लेसर किस तरीके से उस एसेट्स का कॉस्ट करेगा। लेसर को बस एक ही बात जानने में इंटरेस्ट है कि हमारा नुकसान कितना हुआ, अनअर्न्ड फाइनेंस लीव, अनअर्न्ड का मतलब होता है जो हम कमा सकते थे नहीं मिल पाया, वो कहानी बस करेंगे, और एज इट इज सेम आ जाएगा, अभी देखना करते हैं। कई बार आप किताब पढ़ोगे तो किताब पढ़ने में ये जनरल एंट्री देख लेंगे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की, तो कई बार देखिए यहां पे ना कुछ एक शब्द है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझना होगा सर होता क्या है। कहता है एमपीएल और अनरिजर्व, एमपीएल निकालना आता है आपको, अभी सीखा ना एमपीएल, एमपीएल ही तो था वो फैक्टरिंग वैक्टरिंग करके,
और अनगारंटीड रिजर्व, वो भी आता आपको निकालना, ठीक है। इसके बाद कहता है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी ये वाला जो आ जाएगा उसमें से अनअर्न्ड फाइनेंस लीव को माइनस कर दीजिए। अभी देख लेंगे सर, अनअर्न्ड फाइनेंस लीव क्या होता है, जीआईएल प्रेजेंट वैल्यू, एमपीएल प्रेजेंट वैल्यू, अनगारंटेड, अभी देखेंगे। ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, अभी सवाल को जब करेंगे ना, पुराने सवाल को मैं इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ एक वर्ड जो दिखा है ना, एमपीएल समझ में आया क्या, मिनिमम लीज पेमेंट, टीवी का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, यूजीआरवी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, और ये दे रखा है अनइड फाइनेंस यूएफआई। कई बार पेपर में इस तरीके के वर्ड लिखे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। सीधा बोल सकता है आपको पेपर में कि यूजीआरवी निकाल के दिखाइए, तो आप अगर फुल फॉर्म आपको समझ में आ रहा है तब तो लिख दोगे, नहीं तो फिर रह जाएगा आपको, ठीक है। चलिए एक सवाल कहता है, एक डिस्क्लोजर दे रखा है, 5 साल का दे रखा है, असर्टेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज और अनअर्न्ड फाइनेंस लीज, दोनों चीजें कर दी सर, किसके लिए कर रहा है ये, एक्स लिमिटेड लेस मशीन वाई, तो ये लेसर के लिए काम चल रहा है। तो अगेन सबसे पहले जरूरी है जीआईएल निकालने के लिए आपको एमपीएल आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए सर, एमपीएल निकालना आना चाहिए। और एमपीएल क्या है अभी आपने सीखा ही है, बस उसमें एक चीज चेंज होगा एमपीएल के अंदर, यानी सर ये आप लेसर के लिए काम काज चल रहा है, लास्ट सवाल है एक तरीके से मान के चलो ये, और कुछ बचता नहीं, फिर इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री में आपने भी देखा कितना समय लगा, डेप्रिसिएशन की भी जनरल एंट्री कर देंगे वो तो। 1 2 3 और 1 4, अब देखो एग्जाम है आपके कुछ दिनों बाद, तो मैं सिंपल सी बात करूं ना, बिल्कुल जो लेसी का किया था वैसे ही निकलेगा, बस यहां पे जो अन गारंटीड है उसको भी ऐड कर देंगे 5वें साल में, 6ठे साल में जो भी होता है। यानी देखो फटाफट से, आप बोलोगे सर बस इतना ही करना है, ईयर रेंट डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू, 1 साल, कितने साल के लिए है भाई, 2 3 4 5, पहले साल में रेंटल वैल्यू, कहता है सर रेंटल वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपए, तो चलो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, और जो 5वें साल में होगा पता है क्या क्या होगा, 5 लाख तो ये होगा ही होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, नहीं एक्सपेक्ट। अब देखिए यहां पे कुछ वर्ड आ गए, मैं समझा देता हूं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। कहता है कि गारंटेड रेजिड्यूअल वैल्यू ये है, कहता है एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, तो मेरे सवाल पे आ जाइए, जो मैंने बोला था पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर कि भाई ये बोल रहा है कि मेरे मन में 7 लाख चल रहा है कि 7 होना चाहिए, तो दैट इज एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, और अनगारंटेड उसके बीच का डिफरेंस, यानी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू हो सकता है गारंटेड और अनगारंटेड दोनों को जोड़ करके। यहां तक कोई दिक्कत है, बताइए। चलिए सर चलिए, अब
पहले सबसे पहले सवाल पे आ गए हैं। देखो सारी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वर्ड का ही खेल है इस पूरे चैप्टर में, बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ शब्दों का खेल है। अब यहां बच्चा फंस जाएगा, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, कर ही नहीं पाएगा आगे। तो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू हमारा होता है टोटल वैल्यू। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि बताओ अन गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बता दो आप, तो भैया इसमें से इसको माइनस कर दो, दैट इज, समझ में आया? ऐसे ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दो दो नंबर के क्वेश्चन, पांच पांच नंबर के भी आ जाते हैं, जिसको नहीं पता होता वो नहीं कर पाते। तो सर पांचवें साल में क्या होगा, 3-5 लाख रुपए ये किस्त आएगा, और प्लस 1,80 यानी 6,80 लिख दू, यानी दोनों ये वाला 1 भी और 80 ये वाला भी जोड़ दिया मैंने। और जबकि जब लेसी का निकालोगे ना, तो उसमें कौन से वाला होता है, सिर्फ गारंटीड वाला लिया जाता है, अनगारंटीड वाले को छोड़ देते हैं। सर कहां दिखाओ एक बार, ये देखो यहां पे क्या था हमारा, अनगारंटीड भी 25 था और गारंटीड भी था, इसको हमने क्या करा, समझ रहे हो? और यहां वाले में लेसर वाले पॉइंट में ले लेते हैं बस। चलिए अब डिस्काउंटिंग रेट दे ही रखा है सवाल में, तो लिख लेते हैं 0.869, 0.7561, 0.657 5, 0.5718 और 0.4972 मल्टीप्लाई करिए, कितने, बताइए। अगला क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो बच्चों को तो मैं नीचे कर देता हूं, अगला बताइए जल्दी जल्दी फुर्ती में भाई, बाकी भी करो कैलकुलेट, कुछ बच्चे इसका भी कर लो। 3780, अगला 3287, अगला 2,85,900, अगला यहां ध्यान रखना बार बार बच्चे गलती करते हैं, 6,80 से करना, 10 है, अगला 3,00,000, अब टोटल कर लीजिए और एक बार इसका भी टोटल कर लीजिए, इसका टोटल 5, 10, 15, 20 और 6, इसको क्या, अभी देखो अभी बताऊंगा, चलो पहले इसका भी टोटल करके बताओ फटाफट। क्या है, वन सेवन 5,96। अब देखिए यहां पे, चलो बच्चों ने भी बता दिया। अब सवाल दो पूछे हैं, पहला सवाल कहता है कि आसाटेन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज ये क्या होता है सर, एमपीएल जो आपने निकाला है, जो एमपीएल आपका निकलेगा और अनगारंटेड अमाउंट, पांच सौ छियानवे, हाँ यही दे रहे हैं सब। अच्छा ये ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा था, आप देखिए यहां अनअर्न्ड फाइनेंस लीव, सर अनअर्न्ड फाइनेंस लीव कैसे निकालेंगे, अब दोनों के फॉर्मूले को देख लीजिए, फॉर्मूले कहता है सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, एमपीएल निकालो और उसमें अनगारंटेड जोड़ दो, अनअर्न्ड कैसे निकलेगा, आप जीआईएल निकालो,
और उसमें ये सब पीवी निकाल लो। तो जीआईएल पता है क्या होता है सर? जीआईएल देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको ग्रॉस बोलते हैं, और ये एमपीएल है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अनअर्नड जो पूछा था। क्या आएगा इसका? बताइए, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं पहले मैं। कितने? चौदह हजार चार सौ। तो भाई देखिए, बुक से कुछ बच्चे मैच भी करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन अमाउंट में फर्क पड़ेगा, उससे कोई मैटर नहीं करता, हजार हजार रुपए तक का फर्क आ जाएगा, बड़ा अमाउंट हो तो। ठीक है, अगला कहता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड करिए। तो एमपीएल, एमपीएल कितना है सर यहां पे? यानी सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यही है। तो एक ही टेबल में दोनों बात बन गई, यानी इस कॉलम का टोटल कर दो जी ये जवाब, और इसमें से इसको माइनस कर दो जी ये जवाब, आप चेक कर लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये भी हो जाएगा। ये किसका करा हमने? लेसर। सर लेसर में फर्क क्या है? जो अनगारंटीड वाला है वो भी टोटल कर लेते हैं, और इसको ग्रॉस बोल देते हैं, इसमें से इसको माइनस करके अन अर्न्ड बोलते हैं। तो दोनों पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चार लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है पांच क्वेश्चन। पहले इतना समझ में आ गया? ओके है इतना? यहां तक पूरा क्लियर है? तो 95% लीज हो जाता है खत्म। बाकी अब अपना दिमाग आपने लगाना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपने करने, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। बस इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और एक डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, वो जो कल क्लास रखूंगा, कल तो बच्चों का पेपर भी है, तो बच्चे पेपर देने चले जाएंगे, जिनका पेपर नहीं है वो 11 बजे आ जाएंगे, और उनका मैं करवा दूंगा थोड़ा सा जर्नल एंट्री। उसके बाद आपका एक दिन की छुट्टी करके, किसका पेपर है आपका? अकाउंट्स का ही है, ऑनर्स वाले को तो टाइम लगेगा। तो मैं कल ये करवा दूंगा, और कुछ थ्योरी के पार्ट भी रिवाइज करूंगा। आप लोग जो बच्चे पेपर देने जाएंगे, पेपर दे के आइएगा, तब तक आपको वीडियोस मिल जाएगा, फटाफट वो आप देख सकते हैं उसको। छह बजे कल एनपीओ का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, कल शेयर कर दूंगा। पहली क्लास जो एनपीओ में एक दिन बच्चे छुट्टी पे रह गए थे, वो तो मैंने शेयर करवा दिया था लिंक, कल वाला मैं करवा दूंगा। सर जीआईएल कैसे निकालेंगे? अभी नहीं, अभी देखता हूं, शायद आज ही डलवा दूं, टाइम मिलना चाहिए ना। तो जी बच्चे पूछे सर जीआईएल कैसे निकालेंगे? देखो एमएलपी ये विदाउट प्रेजेंटिंग फैक्टर है, एमएलपी। तो यहां से यहां तक देखा जाए ना, तो यहां से यहां तक, और इसमें गारंटीड वाला ले लो एमएलपी, यानी ग्रॉस को इन सभी को जोड़ दो तो यही ग्रॉस बनता है भाई। एमएलपी कैसे होगा? चलो पिछले सवाल में पूछ लेते हैं, ग्रॉस कैसे निकालोगे, देखते हैं कितना दिमाग चल रहा है। बताओ यहां पे क्या होगा हमारा ग्रॉस? तो सर ये सारा जो होता है ना, ये सारा एमएलपी है, और इसके अंदर जोड़ दो क्या? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, तो कितना जुड़ जाएगा? 25 और जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, आ गया सर हमारा जीआईएल। समझे? तो चलिए, कुछ एक सवाल मैंने नहीं किए, बाकी थ्योरी के पॉइंट में इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर क्या देना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, किस किस के ऊपर लीज एप्लीकेबल नहीं होता ये इंपॉर्टेंट है, किस पे नहीं होता? नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं होता, लाइसेंस पे नहीं होता, लैंड पे नहीं होता, एफए का सारा मैं कल ही मोटा मोटा मैं खत्म कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो सुबह ही। बताइए कोई दिक्कत? चलिए, इंडिकेटर का फोर वो मैं कल कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं रही है।